बेबात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको राजस्थान मेवात की एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर सुनाने जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अलवर जिला के ग्राम पंचायत जावली के मल्ला का बांस में 12 घंटे से एक शव पड़ा है। जानकारी के लिए बता दें, जोरमल खां की माता की मृत्यु हो गई है और कब्रिस्तान पर दबंगों का कब्जा है। अब मैयत को दफनाने के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तान पर जिन लोगों का कब्जा है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के दबंग लोग हैं। दोनों समाजों के दबंग लोगों ने कब्रिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। पुलिस प्रशासन से और सरकार से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अतिक्रमण अभी तक कब्रिस्तान से नहीं हटा। इसको लेकर गांव बड़ी चिंता में है और पूरा मोहल्ला सदमे में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोरमल की माँ का इंतकाल हो चुका है और दो दिन से कोई जगह उन्हें दफनाने के लिए नहीं दी गई है। दबंगों से लाख कोशिश की, लेकिन वो कब्जा खिलाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इस पे बार बार पुलिस प्रशासन का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इस मामले का सुलझेरा नहीं हुआ है। वहीं जोरमल खान का कहना है कि मैं अपनी माता के लिए तब तक मिट्टी नहीं दूंगा जब तक ये कब्रिस्तान दबंगों से खाली नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यह किसी के बाप की जागीर नहीं, यह सिर्फ कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेवात आज तक की ताज़ा तरीन खबर। मेरी माता है जो गुजर गई है घर पर, तो इसलिए मैंने आज भी यही मांग है, मेरे को अतिक्रमण हटवा दो तो मैं दफना दूंगा, नहीं तो चाहे 3 दिन ही हो जाए मैं नहीं दफना। अच्छा, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा आप अपनी माँ का दाह संस्कार दफन जो भी नहीं करेंगे? नहीं करूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका, कहाँ के? निर्मल गाँव मल्ला के पास। ठीक है, नहीं सुनते अगर दिल सुलझ का तो आप ही हो जाता। अब मैं तो खेती और छोड़ दू, खेत में फिर आप छोड़ो ना, दबंग वाला तो आदेश है, तो अब मेरे पास आदेश है ना, अब भी है वो मौका देखने के लिए। आप 3 दिवस पहले भी आए थे तो उस वो आया था और साहब को सिचुएशन बताई थी मैंने, साहब वहाँ भैंस बन रही है और कार की बाउंड्री में हो रही है और गाय इसकी बाउंड्री नहीं हो रही। अब वृद्धा की मौत हो जाने के पश्चात जब उसको दाह संस्कार करना है, तब प्रशासन आया है कि मतलब आग लगी और कुआं खोदने की आवश्यकता पड़ी। रेणी से आया हूँ, सब जी रेणी कैंप था, अलवर शक्ति कैंप, वहाँ से डायरेक्ट ही आ रहा। आपके पास यहाँ का मौका नक्शा कुछ है? ये कितना, ये पक्ष का कहना है कि 10 वर्षों से लगातार कब्जा कर चुके हैं, जिला कलेक्टर को शिकायत कर चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 10 वर्ष